तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ पजल पूछेंगे। पजल बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पजल नंबर एक आपके सामने है। पजल है कि खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, बताओ क्या? तो दोस्तों इस पजल का राइट आंसर होगा अगरबत्ती। पजल नंबर दो आपके सामने है। पजल बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। पजल है कि ऊंट की बैठक, हिरण की चाल, गायब है दुम और गायब है बाल, बताओ क्या? तो आपने इस पजल का राइट आंसर गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा मेंढक। पजल नंबर तीन है कि चलने को चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुँचाता हूँ, पैर भी है मेरे तीन मगर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, बताओ क्या? तो इस पजल का राइट आंसर होगा पंखा। दोस्तों वीडियो के एंड में आपने कितने पजल का सही आंसर गैस किया ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पजल नंबर चार है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें से आप जितना निकाल लोगे वह उतना ही बढ़ता चला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गड्ढा। गड्ढे में से जितनी मिट्टी निकाल लोगे वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। वैसे आपने क्या गैस किया था? दोस्तों अपनी पजल नंबर फाइव आपके सामने है। पजल बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। पजल है कि वह क्या चीज है जो दादा कहने पर नहीं मिलता लेकिन बाबा कहने पर मिल जाता है, तो दोस्तों बताओ इसका आंसर। तो इस पजल का राइट आंसर होगा होठ। वैसे आपने क्या गैस किया था? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम रोजाना ऐसी ही मजेदार वीडियो अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों पजल नंबर छः आपके सामने है। पजल है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका नाम लिखने पर एक लड़की का नाम भी बनता है? तो दोस्तों इस पजल का राइट आंसर होगा सीताफल। क्या आपने भी यही आंसर गैस किया था? पजल नंबर सात है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान खुद के लिए कभी नहीं खरीदता है? तो दोस्तों इस पजल का राइट आंसर होगा कफन। पजल नंबर एट आपके सामने है। पजल है कि तीन अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, अंत कटे तो हल बन जाऊं, मध्य कटे तो हवा कहाऊं, बताओ क्या? तो दोस्तों इसका आंसर आपने आसानी से गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा हलवा। अपनी पजल नंबर नाइन आपके सामने है। पजल है कि हरा आटा लाल पराठा, मिलजुल कर सभी सखियों ने बांटा, बताओ क्या? तो दोस्तों इस पजल का राइट आंसर होगा मेहंदी। तो दोस्तों अपनी लास्ट पजल आपके सामने है। पजल है कि दुनिया भर की करता सैर, धरती पे न रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता, रात अंधेरी मेरे बगैर, बताओ क्या? तो इसका राइट आंसर होगा चांद। वैसे आपने कितनी पजल का सही आंसर गैस किया ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लो। हम मिलते हैं किसी ऐसी दूसरी मजेदार वीडियो के साथ।